शेयर बाजार ने किया जीएसटी का ग्रैंड वेलकम। 1 जुलाई से लागू होने के बाद पहले कारोबारी दिन पर जबरदस्त शुरुआत। 290 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स में कारोबार जारी। निफ्टी में भी उछाल दर्ज। मुंबई में कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, जीएसटी से किसी को डरने की जरूरत नहीं। मुंबई में क्राइम ब्रांच करेगी भायखला जेल में हुई हिंसा की जांच। नागपाड़ा पुलिस ने क्राइम ब्रांच को सौंपे मामले के दस्तावेज। जेल में महिला कैदी की मौत और फिर हुई हिंसा में दर्ज है 2 FIR। इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी। मुंबई के 93 ब्लास्ट मामले में मंगलवार से बचाव पक्ष अपनी बहस की शुरुआत करेगा। मुस्तफा दोसा की मौत के बाद बचे हैं 5 दोषी। अकोला में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल के पिता ने स्कूल कर्मचारी को जड़ा था, पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के पालघर में पानी के तेज बहाव में फंसा युवक, 3 घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीण में बाहर निकला। मुंबई के घाटकोपर में इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र में भी नहीं थम रहा किसानों की खुदकुशी का सिलसिला। नासिक में कर्ज से परेशान किसान ने कुएं में कूद कर दी जान। कैंसर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे अभिनेता इमरान हाशमी, ट्वीट कर दी जानकारी। फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग पर टाइगर श्रॉफ ने किया ट्वीट, फिल्म के लिए डबिंग अब तक का सबसे चुनौती भरा काम। अपने दोस्त के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं सोनम कपूर, अचानक मिली जूही चावला ने दिया सरप्राइज। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड का फर्स्ट लुक सामने आया, ट्विटर पर लिखा नई यात्रा पर अग्रसर जिसमें गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए। दमदार आवाज वाले बिग बी ने अपने ब्लॉग पर लिखा उन्हें नहीं आती बोलने की कला।